नोएडा के मारवा स्टूडियो में 14 सितंबर 2019 को फुटबॉली संस्थान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। खेल को प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए फुटबॉली को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। संदीप मारवा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही कहा, थाईलैंड में फुटबॉली कंपनी के द्वारा एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत देश भी शामिल है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ देश बन रहा है। इस फुटबॉली खेल की थाईलैंड मेजबानी करेगा। इसके साथ ही 15 देश के प्लेयर्स अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। फुटबॉली के इस मैच में भारत को 5 होनहार प्रतिभागी भारत का नाम रोशन करने के लिए भाग लेंगे, जो फुटबॉली एसोसिएशन संस्था से भेजे जाएंगे। संदीप मारवा ने कहा कि संस्थान के अध्यक्ष राम अवतार एक बेहद ही आश्चर्यजनक रूप से इस खेल को एक बड़े स्तर पर ले गए हैं और आगे भी इस दिशा में कठिन परिश्रम में प्रयासरत हैं, जिनका मैं पूरा सहयोग करता हूं। इसके साथ ही आगे भी करता रहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इस खेल का महत्व लोगों तक पहुँचाया जा सके। इसके साथ ही वहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद दिया और पूरे देश भर में भारत की ओर से दुनिया भर में फुटबॉली को बढ़ाने के लिए प्रेरणा प्रदान की। मारवा स्टूडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। कई दिन से हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि फुटबॉली की फिर से एक बार मीटिंग होनी चाहिए और एक बहुत खूबसूरत बहाना मिल गया कि जब पता चला कि थाईलैंड के अंदर अब नया कॉम्पिटिशन होने जा रहा है और उसके लिए हमारे प्लेयर रेडी है, तो हमने सोचा कि आज उसी का एक बहाना ढूंढकर सभी लोगों से मुलाकात की जाए। मैं एक बार फिर से आप सबको मारवा स्टूडियो में यहाँ पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि कुछ ही महीने पहले आदरणीय मुकेश जी ने मुझे इस प्यारी संस्था के साथ जोड़ा और अब मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा। और इस संस्था के प्रेसिडेंट राम अवतार जी, जो एक होनहार हिंदुस्तानी नहीं बल्कि एक जबरदस्त प्लेयर भी हैं, राम अवतार जी और मुकेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली। सबसे मजे की बात तो ये है कि 5 मेंबर की टीम फुटबॉली एसोसिएशन की तरफ से थाईलैंड की ओर रवाना हो रही है और जिसके अंदर राम अवतार जी, सुजीत कुमार पात्रो जी, ओम प्रकाश जी, मोहम्मद रफीक साहब और इमैनुअल पेरुमल साहब, ये लोग सभी लोग अब थाईलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं और इस पूरे हिंदुस्तान को वो वहां पर थाईलैंड में फुटबॉलिंग के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। इन सब के लिए भी फिर से एक बार जोरदार। फुटबॉलिंग की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की इच्छा जताई है। थाईलैंड के मैच के बाद और भी कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल का आयोजन किया जाएगा। फुटबॉली प्रदेश अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा है कि फुटबॉली को आगे ले जाने के लिए हम सभी तहे दिल से संदीप मारवा जी का धन्यवाद करते हैं और आगे कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आप फुटबॉली के साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही संस्थान के अध्यक्ष राम अवतार ने भी अपने शब्दों में मारवा जी को धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही फुटबॉली टीम के प्लेयर्स को उत्साह प्रदान किया है। थाईलैंड जाने वाली टीम को MMH कंपनी के ओनर महेश के मित्तल के द्वारा स्पॉन्सर भी किया गया है, जो इस खेल से संबंधित सभी जरूरतों को पूरा करने में अपना अहम योगदान प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के अंत में 14 सितंबर के दिन सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए पोस्टर लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वंशिका, अशोक कुमार, वर्षा, प्रियंका खत्री, विनय, लवली, सुजीत सिंह, दीपांशु अहलावत, डिंपल सैनी, हेमंत, साहिल स्वामी, पीयूष दवास, जितेश, मनु चौहान और मिस्टर ओम प्रकाश जी, मिस्टर सुजीत कुमार पात्रो, मिस्टर राम अवतार, मिस्टर चरण सिंह, मिस्टर आशीष मित्तल, मुकेश शर्मा आदि लोग शामिल थे। फुटबॉल और वॉलीबॉल से मिलकर बना फुटबॉली खेल लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। इस खेल में ब्राजील वर्ल्ड कप जीत चुका है और अब भारत भी इस खेल में दिलचस्पी दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बाहरी देशों को पटखनी देने के लिए खूब तैयारी कर रहा है।
निश्चित रूप से भारत इस खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए फुटबॉली की दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। ये हम लोग लगे हुए हैं और बहुत सारी छोटी बड़ी संस्थाएं खेल की और गैर स्पोर्ट्स की जो दूसरी भी है वो भी इस संस्था को बढ़ाने में लगी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोगों की जबान के ऊपर फुटबॉली जैसा शब्द जो है वो आम शब्द हो जाएगा। सर, बीइंग ए पैट्रन और बीइंग ए मेंटर, हम कहें कि इस लेवल को आपने नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे अब फुटबॉल ही पहुंच चुका है, क्या कहेंगे अब अगले? बहुत खुशी की बात है। पहले प्रदेशों में ये गेम खेली जा रही थी, हम लोगों ने यहाँ पर तकरीबन सभी धीरे धीरे करके स्पोर्ट्समैन को पकाया है। राम अवतार जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया है, घर बार छोड़कर कई बार ये अलग अलग प्रदेशों में जाकर टीमों को चेक करते रहे हैं, लोगों को देखते रहे हैं। इनका जो लगाव इस खेल से जुड़ा है उसको देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझसे भी नहीं रहा गया, मुझे लगा कि मुझे भी इस ऐसी खूबसूरत गेम के साथ जुड़ना है। और आज हम लोग सभी लोग पूरी संस्था के बहुत खुश हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हिंदुस्तान को बार बार बुलाया जा रहा है और दुनिया का हर देश ये चाहता है कि अगर वो फुटबॉली की कोई कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन कर रहा है तो भारत भी उसमें भाग ले। सर, 130 करोड़ की जनता का अब जो है वो कहीं ना कहीं ये दो खिलाड़ी थाईलैंड में रखेंगे, तो क्या कहेंगे उन दो खिलाड़ियों? नहीं, मेरी मैं तहे दिल से इन दोनों को आशीर्वाद देता हूं, मेरी पूरी मोहब्बत इनके साथ चलेगी और पूरा देश इनके लिए प्रार्थना करेगा कि ये थाईलैंड के इस अंतर्राष्ट्रीय खेल में कुछ ना कुछ ज़रूर जीत के आएं। लेकिन ये बात हम बार बार कही जाती है स्पोर्ट्स के अंदर कि जीतना हारना तो ये एक इंस्टेंस है, ये एक कॉन्सिक्वेंस बन जाता है, इसका कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पार्टिसिपेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब थाईलैंड के अंदर फुटबॉली की इस अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में भारत का नाम जाएगा तो मैं समझता हूं कि हमारी फेडरेशन को एक बहुत बड़ा सुकून मिल जाएगा कि आज भारत फुटबॉली की इस गेम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बुलाया जा रहा है। तो हमारे जो एफर्ट्स हैं अब तक के वो सिद्ध होते नज़र आ रहे हैं। जीतना या हारना ये बिल्कुल एक अलग बात है और स्पोर्ट्समैन होने का पहला जो कदम है, पहली जो सीख जिसे कहा जाता है कि ना हार से घबराए न कभी जीत से उसका सर जो है वो चकराए। सर, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फुटबॉल एसोसिएशन बहुत छोटे छोटे से बच्चे जुड़े हैं, मगर इनकी एजुकेशन की प्रॉपर सर यदि गेम के साथ इनके एजुकेशन में सर कुछ ऐसा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, आपका ये सोचना गलत है। जब से एजुकेशन बनी है तब से ये पूरे यूनाइटेड नेशन का सब्जेक्ट रहा है कि हर स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स और गेम्स होनी चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि फुटबॉल एसोसिएशन उनसे भी ज़्यादा चौकन्नी हो गई कि जिन बच्चों को इस खेल के अंदर रुचि पैदा हो रही है उन्हें बचपन से ही इसके साथ जोड़ना चाहिए। क्योंकि जब आप 25 साल के 30 साल के हो गए और जब आपकी हड्डियों के अंदर जोर ही नहीं रहा, आपने गलत नियम पढ़ लिए और आप एरिएटेड वाटर स्पीकर और गलत खाना खाकर आप स्पोर्ट्समैन ही नहीं बन पाए, आप भाग ही नहीं पाए, तो आप स्पोर्ट्स क्या खेलेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी स्पोर्ट्स को अगर आपको प्रमोट करना है तो बिल्कुल छोटी क्लासों से शुरू करना पड़ेगा। मैं तो इन छोटे बच्चों को देखकर इतना खुश हुआ हूँ जिसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसका मतलब मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि हमारी संस्था ने जड़ें पकड़ ली हैं कि अगर इतनी छोटी उम्र से हमारे बच्चे सीखना शुरू कर देंगे तो आने वाले 5-7-10 सालों तक तो हमारे पास कई प्लेयर हो जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेल सकेंगे। आज भारत के अंदर स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी कमी ये रही कि हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान की तरफ पिछले 70 सालों में तवज्जो देते रहे और बहुत सारा तवज्जो जो स्पोर्ट्स को देना चाहिए था वो हमारा निग्लेक्ट हो गया। स्कूलों में, कॉलेजों में, स्पोर्ट्स संस्थाओं में फेडरेशन नहीं थी, एसोसिएशन नहीं थी, बाग बगीचों में खेल के हमारे स्पोर्ट्समैन आज तैयार हुए हैं। सबसे उसको बढ़ाने वाले जो उसके पीछे हाथ होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है स्पॉन्सर, जो उन खिलाड़ियों की सारी दिक्कतों को दूर कर देता है कि उनको अच्छे किट्स मिले, उनको वो सारी सुविधाएं मिले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो किसी से पीछे ना रहें, क्या कहेंगे इसकी? बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत तहे दिल से महेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है कि वो फुटबॉली की संस्था को मेरे साथ आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेंगे। जो फैसिलिटीज़ मेरे पास मौजूद हैं वो मैं देने को तैयार हूँ और जो फैसिलिटीज़ महेश जी के पास मौजूद हैं वो देने को तैयार हूँ। महेश जी, क्या कहेंगे इस
जो आपने हाथ बढ़ाया। नया गेम है तो अभी इतना वो नहीं हुआ है, तो राम अवतार जी ने मुझे ज्वाइन किया था, तो इन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने इनके साथ देखा कि फुटबॉल ही वाकई में एक अच्छा गेम है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ हेल्प करनी चाहिए, तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प जितनी मेरे से हो रही है मैं उसको कर रहा हूँ। राम अवतार जी एक सवाल आप खोली, हमारा जो है ये थोड़ा जो स्पोर्टेड है, ये जो नीम हमारी ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े हुए जो सर हैं मिस्टर आशीष मित्तल है और हमारे राव साहब है जो राजस्थान से हैं, 50,000 रुपये का उन्होंने स्पॉन्सर किया है, 2 प्लेयर्स हैं उनको स्पॉन्सर किया है ना 65,000 रुपीज़। तो ऐसे हमारी पूरी फेडरेशन जो है हम वर्क कर रहे हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने करते हैं।